हाय गाइस, दिस इज निबम बैक अगेन विद द न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग भी बहुत स्पेशल होने वाला है। तो आज है क्या है आज न्यू ईयर ईव है। तो हम लोग आए हुए थे DLF मॉल ऑफ इंडिया में, क्योंकि हम घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, क्योंकि हमारा कहीं और का प्लान था जाने का, बट इसकी तबीयत ख़राब हो गई तो कैंसिल हो गया वो। बट कोई नहीं, आज भी हम लोग खूब इंजॉय करेंगे मॉल ऑफ इंडिया में, जो कि पड़ता है जो कि पड़ता है नोएडा सेक्टर 18 में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। गाइस, लगभग अभी हम घूम रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, बट एंटरटेनमेंट ज़रूर मिलेगा आपको। गाइस, फाइनली हम लोग DLF के टॉप फ्लोर पे फूड कोर्ट में बैठे हुए हैं। इसको भूख लग रही है तो पहले कुछ खाते हैं। खाओगी कि स्टारबक्स चले पहले? पहले क्या खाऊँगी? चिकन खाऊँ उसका, तो रोज़ का चिकन है, पता नहीं कितना चिकन खाती है। चिकन पता नहीं, चिकन ये खाती है कि चिकन इसको खाता है, कुछ पता नहीं चलता। पकड़ना इसको देनी नहीं आज आइसक्रीम। थैंक यू भैया। जाने से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी वो बोल रही थी कि मैं उससे छीन लूंगी, क्या हुआ, छीन नहीं पाई? मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया कि पकड़ ही नहीं पाई तुम? तो छीनने की बात तो दूर की है। बस पहले जाने के पहले मेरे तो बोल रही है कि मैं तो छीन लूंगी, मैंने बहुत देखी है वीडियो, छीन ले तो। सो गाइस, इसने तो खा लिया है, मेरा अभी कुछ नहीं हुआ, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को भी कुछ खाना है। लेट्स सी क्या खिलाती है, क्या खिलाओगी? देखते हैं वो तो अभी। सो गाइस, चलते हैं फाइनली स्टारबक्स के अंदर और अपनी कॉफी लेते हैं। सो आ गए हम। सो गाइस, ये लेके आ रही हूँ कॉफी, ले लो। थैंक यू सो मच। दिस वन इज सिग्नेचर हॉट चॉकलेट विच इज माइन, एंड दिस वन इज हॉट चॉकलेट कैपेचिनो विच इज। गाइस, हमने कॉफ़ी भी ले लिया और हमने सोचा पीते पीते चलते हैं। और अभी मेरे दिमाग में बहुत मस्त आइडिया है जहाँ हम जाके डिनर करने वाले हैं ना। yes. तो बिल स्प्लिट होगा? अच्छा तुम दे रही हो, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। गाइस, अभी हम लोग फाइनली डिनर के लिए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया। और अभी मैंने अपने फ्रेंड को भी कॉल करा था क्लब के लिए, तो उसने कहा कि क्योंकि आज 31st है तो क्राउड आज अच्छा नहीं होगा। वाई? बिकॉज ऑफ ज़्यादा ड्रिंकर्स ही होंगे वहाँ, है ना? और सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है, मतलब पेमेंट भी कर रहे थे ज़्यादा और सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है, हमें ड्रिंक तो करनी नहीं है। वैसे भी क्लब में जाके सीट बैठता कौन ही है, सब डांस के लिए जाते हैं। डांस करने के बाद इंसान थक जाता है और कुछ स्टार्टर लेगा तो बैठ के खाएगा ना, खड़े खड़े खा लेंगे। कोई नहीं, आज चलते हैं, मैंने एक अच्छी जगह सोच रखी है तो वहाँ चलते हैं, ठीक है? चलो फिर। सो गाइस, हम लोग अपने आज की डिनर लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, बट मेरे को लग नहीं रहा यहाँ मैं व्लॉग बना पाऊँगा, क्योंकि म्यूज़िक आप सुन सकते हो, चारों तरफ से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। सामने गार्डन्स गैलरी है,
और इधर जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ भी शोर हो रहा है, तो चलते और दिखाते हैं आपको कहाँ जाने वाले हैं, है ना? गाइस फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, मेरी मेरे पीछे। तो ये मैं बताता हूँ ये क्या है, ये एक रेस्टोरेंट है जो बना हुआ है एरोप्लेन के बेस पे। तो मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, और ज़्यादा इस वीडियो में सिनेमैटिक्स ही होंगे। और समन वहाँ से ले रही है बोर्डिंग पास, तो वो भी मैं बता देता हूँ कितने के हैं। आपको बोर्डिंग पास पड़ेगा 250 का। समन को फाइनली विंडो सीट मिल गई है। आई हैप्पी। कहाँ जा रहे हो? मनाली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मनाली। तो चलते हैं गाइस मनाली, हम मनाली में आपको डिनर करवाते हैं। गाइस समन को विंडो सीट का व्यू देखो क्या मिल रहा है। तो ये विंडो साइड का व्यू अच्छा है। सो गाइस ये कुछ इसका मेन्यू है। तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत ही डिसेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट है। और आप फैमिली के साथ आ सकते हो अगर आपको आना हो। ऐसा कुछ मॉल नहीं है जैसा मैं सोच रहा था आज, बिल्कुल फ्रेंडली मॉल है। सर्वेंट भी काफ़ी अच्छे हैं, वेटर्स भी आके हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। प्राइस भी प्राइसेस डिसेंट हैं, आज के लिए थोड़े हाई हैं बिकॉज आज 31st नाइट है, तो राइस तो आज थोड़ा हाई तो बनता ही है। और बाकी मैं आपको जो 250 बताया है वो बाकी मैं आपको बताऊँगा उसके पीछे क्या फंड है। सो गाइस फाइनली हमारा आज का डिनर आ चुका है, बटर नान, दाल मखानी, प्याज और मोजिटो मंगाया है, वो आ रहा है अभी। तो गाइस मेरा मोजिटो भी आ चुका है, इसने तो खाना भी शुरू कर दिया है। सो लेट्स सी कैसा है खाना, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस हमारा खाना हो चुका है, खाना वाकई में ही बहुत टेस्टी रहा, इसलिए हमने सारा खत्म कर दिया, कुछ छोड़ा नहीं। अच्छा था ना खाना? बहुत ही अच्छा था। तो गाइस बीच में वो लोग बिल लेके आ गए थे इसलिए हम लोग रुक गए। क्या बोल रही थी? कुछ बोल रही थी बस। फाइनली मैं पायलट बन चुका हूँ, प्लेन की कमांड्स मिल चुकी है। आज ये प्लेन तुम्हारा भाई उड़ाएगा। मुझे तो मतलब इसमें तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा यार ये लगा के। सो कहाँ जाना है बताओ? आज गोवा लैंड करे, मैं जाऊंगा फॉरन। गाइस देख सकते हो पैडल भी है, तो आप इसे आराम से बैठ के चला भी सकते हो। और स्पीडोमीटर भी लगा हुआ है, ये देखो। और ये पता नहीं बहुत सारे, एक ही लीवर है आई थिंक, इससे प्लेन टेक ऑफ करता है। और ऊपर भी काफी सारे बटन्स हैं, आई डोंट नो किस किस चीज के हैं। सामने काफी बटन्स है देख सकते हो आप लोग, और ये इसके लीवर है। पयेरी रोज आ रहा है प्लेन उड़ा के, ये देख सकते हो। और इसमें काफी इंटरेस्टिंग है, आप भी आके यहाँ एंजॉय कर सकते हो ऐसे जैसे मैं। और सो गाइस ये प्लेन के कुछ बाहर का इंटीरियर है,
और यहाँ से आपकी एंट्रेंस होती है अंदर जाने की। सो काफ़ी सही बना रखा है इन्होंने, आप आके इंजॉय कर सकते हो। एक ऐसा ही गुड़गांव में भी है लेकिन नोएडा वालों के लिए बहुत सही है। सो ये यहाँ का लॉन्ज है, अगर आपको ऊपर नहीं बैठना हो तो आप यहाँ आके बैठ के यहाँ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो हम लोग फटाफट चलते हैं क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, 10:30 हो चुके हैं, तो हम चलते हैं बाहर। सो गाइस पीछे आप एम्बुलेंस की साउंड सुन ही सकते हो, इसलिए मैं क्लब व्लब में जाने से मना करता हूँ, न्यू ईयर में मत जाया करो बिकॉज ऑफ दिस, राइट। पी के ड्रामे करो, इससे अच्छा आप अपना यहाँ हम लोग आए अपने इंजॉय किया। और मैं यहाँ का आपको वाउचर का सीन बता देता हूँ, मैं हमारा पूरा चार्ज लिया 250। और वन मोर थिंग, अगर आप जैसे नॉर्मल डेज आते हो, क्योंकि आज न्यू ईयर ईव है, डेट्स वाई दे आर चार्जिंग 250। एंड अगर आप नॉर्मली आते हो तो 250 में से 150 आपके खाने में ऐड हो जाएगा और 100 का ही ओनली टिकट होगा, है ना। ये बस आज और कल के लिए 250 पूरा चार्ज कर रहे हैं। अगर वैसे आओगे नॉर्मल डेज में तो आपका 250 में से 150 खाने में ऐड हो जाएगा और ओनली 100 रुपीज़ का टिकट होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर हिट कर देना, जिससे मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली।